एमपी में सत्ता बदलने के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर शहर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक सक्रिय हो गए हैं ताकि पार्टी अपने खोए जनाधार को फिर से पा सके। विधानसभा एक नंबर क्षेत्र के विधायक संजय शुक्ला जनसंपर्क करके अपने मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। विधायक शुक्ला का कहना है कि एक नंबर क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने बहुत सारे काम करवा दिए, जहाँ जरूरत थी वहाँ बोरिंग भी करवाई। काम के कारण ही जनता का मुझ पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से विधायक का सम्मान मिला है, आज मेरी बारी है, उनके काम आऊं। हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ एक नंबर क्षेत्र विधायक संजय शुक्ला जी के पास। तो मैं उनसे थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, यहाँ पे जो घर पे जो जनसंपर्क जो ले रहा है, जो आप जीत के आए, आप खुशी हो रहा है और जो जनता जो आपको चाहते हैं, जितना मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इन्हीं के बीच में बड़ा छोटे से बड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब उनके काम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कभी लोगों से सस्ता कर रहे हैं, लोग मुझे बधाई देने आ रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने वादे करे, बोरिंग कराया, हॉस्पिटल कराया, ऐसे कराया, उसे काम करना है। और उसके अलावा कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, आइडियाज सब लोगों से मिल के मेरे क्षेत्र की बातें करी, जो जो काम है जो काम करना तैयारी कर रहा हूँ, और जो मुझे 5 साल का मौका दिया है उसमें मैं इतने काम बुलाऊंगा कि वही क्षेत्र विधान साहब। आपने जब विधायक नहीं थे फिर भी आपने बहुत सारे काम कर सकते, तो आप विधायक बनने के बाद आप लोगों पर जो जवाबदारी है वो जवाबदारी आप कैसे मैं कर रहा हूँ? लगातार काम की तैयारी में लगाऊँ, पहले भी काम कर रहा हूँ, पार्षद भी रहा हूँ दो बार, उसके अलावा नया विधानसभा का काम दिख गया, अब विधायक बन रहा हूँ, सरकारी मंत्री, जो भी काम है सब काम कर रहा हूँ। न्यूज़ एक्सप्रेस से चक्रवर्ती का रिपोर्ट।